We are going to discuss superposition theorem. Superposition theorem हम तब apply करते हैं जब circuit में हमारे पास एक से ज्यादा voltage या current sources हो और हमने किसी भी element के across voltage या current find करना है, तो हम एक वक्त में एक voltage source या current source लेंगे और बाकी जितने भी voltage या current sources होंगे उनको ignore कर देंगे, और इसी तरह से हर source के लिए repeat करते हुए हमारे पास करंट या वोल्टेज की जितनी भी वैल्यूज आएंगी उन सबको हम ऐड कर देंगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास मोर देन वन वोल्टेज सोर्स इन सर्किट में, तो हम एक टाइम में एक वोल्टेज सोर्स लेंगे और बाकी जितने भी वोल्टेज सोर्सेज होंगे उनको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, मतलब V इज इक्वल टू जीरो, वोल्टेज जीरो कर देंगे वहां पे. सिमिलरली इफ वी हैव मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्सेज और हम एक सोर्स को लेंगे एट अ टाइम और बाकी जितने भी सोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल करंट सोर्सेज हैं, तो उनको हम ओपन सर्किट कर देंगे, यानी करंट जीरो कर देंगे वहां पे. I इज इक्वल टू जीरो. लेट्स ड्रॉ अ सर्किट फर्स्ट टू अप्लाई और Now we have to find current I 6 ohm resistor से पास कर रहा है. अब हम एक टाइम में एक सोर्स लेंगे, पहले हम 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स की वजह से करंट फाइंड करेंगे. We will go through step wise. Now first step is select a source, one source, यानी एक सोर्स को, किसी भी एक सोर्स को सिलेक्ट करें और बाकी जितने भी सोर्सेस हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेस उनको टर्न ऑफ कर दें. एंड रिमेंबर ये सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज के लिए है, डिपेंडेंट सोर्सेज एज इट इज रहेंगे सर्किट में. वोल्टेज सोर्स को टर्न ऑफ करना है तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, करंट सोर्स को करना है तो ओपन सर्किट हो जाएगा. 20 वोल्ट्स का वोल्टेज सोर्स ले लेते हैं और करंट जो है उसको हम कह देते हैं I1, यानी 20 वोल्ट्स की वजह से जो 6 ओम रेजिस्टर में करंट फ्लो कर रहा है उसको हम I1 का नाम दे देते हैं, क्योंकि ये जो करंट I पास कर रहा है 6 ओम रेजिस्टर से, ये दोनों सोर्सेज की वजह से हम निकालेंगे इसमें. सो फॉर एग्जाम्पल 20 वोल्ट्स की वजह से जो करंट 6 ओम रेजिस्टर में पास कर रहा है उसको हम I1 कह देते हैं, और जो 2 एम्पीयर करंट सोर्स की वजह से पास कर रहा है उसको हम I2 कह देते हैं, और n में इन दोनों करंट्स को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी जो हमने एक्चुअली फाइंड करनी है सर्किट में. सो हम करंट सोर्स जो है उसको ओपन सर्किट कर देते हैं, करंट सोर्स जो है उसको हम ओपन सर्किट कर देते हैं, यानी I इज इक्वल टू जीरो, और वोल्टेज सोर्स के साथ हम पहले सर्किट को सॉल्व करते हुए I1 की वैल्यू फाइंड करेंगे. एंड redraw the circuit. Current source open circuit हो गया है, तो इसका मतलब ये circuit से वैसे ही निकल जाएगा, इसकी कोई contribution नहीं रहेगी circuit में. For this step only. Current I1 find करना. 5 ohm resistors जो है ये हमारे पास series में है. 10 ohm आ गया इनका sum जो है, और 10 ohm resistors जो है ये parallel आ जाएगी 6 ohm resistance से. अब हमें करंट I1 फाइंड करने के लिए टोटल करंट चाहिए, और टोटल करंट फाइंड करने के लिए हमें टोटल रेजिस्टेंस भी चाहिए और टोटल वोल्टेज भी चाहिए. टोटल वोल्टेज हमारे पास 20 वोल्ट है और टोटल रेजिस्टेंस हम फाइंड करने लगे हैं, ठीक है. दिस विल बी I टोटल, एंड यहाँ पे करंट टोटल जो है वो डिवाइड हो रहा है इंटू I1 और 10 ओम रेजिस्टेंस की तरफ भी जा रहा है. अब 10 ओम और 6 ओम रेजिस्टेंस जो है ये पैरेलल है, तो इनका पैरेलल इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं हम, जो है 3.7 ओम रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएगी इस 10 ओम रेजिस्टेंस के साथ. 3.7 ओम प्लस 10 इज इक्वल टू 13.75 ओम. अब टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास है 13.75 ओम टोटल वोल्टेज, सो टोटल करंट हमारे पास क्या आएगा, वी टोटल ओवर आर टोटल. वी क्या है, 20 ओवर 13.75 ओम. अब हमारे पास टोटल करंट आ गया विच इज 1.45 एम्पियर्स. अब ये करंट जब इस नोड पे आएगा तो डिवाइड होगा इंटू 6 ओम एंड 10 ओम रेजिस्टेंस. सो हम यहाँ पे करंट डिवाइडर का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पैरेलल में करंट डिवाइड होता है. सो ऑपोजिट रेजिस्टेंस आ जाएगी 10 ओवर 10 प्लस 6 टोटल रेजिस्टेंस, सॉरी 6 आएगा यहाँ पे, एंड टोटल करंट जो था 1.45 एम्पियर्स.
अब ये 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने करंट डिवाइडर का फार्मूला अप्लाई किया है, तो I1 हमारे पास आया है 0.906 एम्पीयर्स। सो वी फाउंड करंट I1। सेकंड स्टेप इज कि हमने स्टेप 1 जो है उसको रिपीट करना है फॉर ऑल द सोर्सेज, जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं सर्किट में उन सब के लिए हमने स्टेप 1 को रिपीट करना है। सिंस वी हैव 2 सोर्सेज इन दिस सर्किट, सो एक सोर्स की वजह से हमने करंट फाइंड कर लिया है। अब करंट सोर्स की वजह से हम करंट फाइंड करेंगे सर्किट में, और जो वोल्टेज सोर्स है उसको हम शॉर्ट कर देंगे। अगर करंट सोर्स की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है 6 ओम रेजिस्टेंस में, उसको हम I2 का नाम दे देते हैं। नाउ इस नोड पे जो करंट है दैट विल बी, अब 2 एम्पेयर करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है और हम ऑपोजिट डायरेक्शन ले रहे हैं, सो -2 एम्पेयर। अब ये करंट इस रेजिस्टेंस में भी जाएगा, इस तरफ भी जाएगा, ठीक है, दो पास हैं करंट के पास। -2 एम्पेयर जो करंट है ये इस डायरेक्शन में भी जाएगा और इस डायरेक्शन में भी जाएगा। सो हम इस सारे पोर्शन को अगर हम इसका इक्विवेलेंट फाइंड कर लें लाइक दिस, ये तमाम जो रेजिस्टेंसेज हैं इनका अगर हम इक्विवेलेंट फाइंड कर लें, तो ये पैरेलल में आ जाएगा दूसरी जो 5 ओम रेजिस्टेंस है उसके साथ, इस रेजिस्टेंस के साथ। 10 और 6 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल में है, सो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन हम फाइंड कर लेंगे विच इज 3.75 ओम। अब इनका कॉम्बिनेशन जो है ये सीरीज में आ जाएगा 5 ओम रेजिस्टेंस के साथ, सो 3.75 + 5 इज इक्वल टू 8.75 ओम। अब ये -2 एम्पीयर करंट जो है ये 5 ओम्स में भी जाएगा और ये जो इक्विवेलेंट है 8.75 ओम्स इसमें भी जाएगा। सो इस करंट को हम नाम दे देते हैं I3 का। अप्लाई अ करंट डिवाइडर फार्मूला टू फाइंड I3। अब I3 वाला जो पोर्शन है पूरा ये पैरेलल है 5 ओम के, तो हमारे पास क्या आएगा, ऑपोजिट रेजिस्टेंस 5 ओम ओवर टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट -2 एम्पीयर। सो I3 विल बी -0.727 एम्पीयर। अब I3 करंट जो है ये जब इस नोड पे जाएगा तो डिवाइड होगा I2 में और इस डायरेक्शन में भी जाएगा, इसके पास दो पाथ होंगे। I3 इज -0.727 एम्पीयर्स। अब ये -0.727 एम्पीयर्स जो करंट है ये I2 में भी जाएगा और 10 ओम रेजिस्टेंस में भी जाएगा। सो हम अगेन करंट डिवाइडर फार्मूला अप्लाई करेंगे एट रेजिस्टेंस 6 ओम। सो I2 इज 6 ओम के रेजिस्टेंस के 6 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस ले रहे हैं, तो ऑपोजिट रेजिस्टेंस आएगी 10/10+6 इनटू टोटल करंट क्या होगा अब, -0.727 एम्पीयर। ठीक है, ये करंट डिवाइड हो रहा है तो यही टोटल होगा। सो I2 विल बी -0.454 एम्पीयर। एंड द थर्ड एंड लास्ट स्टेप इज कि जितने भी करंट्स हमारे पास आए हैं उन सबको ऐड कर दें। सो I इज इक्वल टू I1 क्या है 0.906 एम्पीयर प्लस I2 इज -0.454 एम्पीयर। सो I विल बी 0.452 एम्पीयर। अब ये करंट I 6 ओम रेजिस्टेंस से पास कर रहा है जो हमने इनिशियली फाइंड करना था, इसको हमने सुपर पोजिशन के थ्रू फाइंड किया। एंड द आइडिया ऑफ सुपर पोजिशन इज बेस्ड ऑन लीनियरिटी प्रॉपर्टी, यानी ये सिर्फ लीनियर सर्किट के लिए अप्लाई होता है।